सामने 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 प्लीज ओके आप स्टेट यहां पे हम ऐसे से करते हैं आप ऐसे सामने नीचे पहले बता दूं हमारा फंक्शन नहीं है आयोजन मुझे ऐसे लग रहा है बनारस में मैं बैठी हूँ नहीं आयोजन सच में भारती ने ही आयोजन किया हाँ मुझे ना सरप्राइज देने बहुत अच्छे लगते हैं और मुबीन जी की वाइफ का आज बेबी शावर है यानी कि गोद भर आई है और आज 18 तारीख है और कल 19 को उनका बर्थडे है तो हम 12 बजे केक भी काटेंगे यहाँ पे तो मुबीन जी ने कहा कि ऐसे ऐसे करना मेरी फैमिली यहाँ पर नहीं रहती सब गाँव में है बीवी के भी तो मैंने बोला भाई ऐसे करें तो इतने खुश हो गए और अभी फ़ोन भी कर रहे थे आप कहाँ हो मैं बहुत नर्वस हूँ ये वो तो मैंने उनकी वाइफ को बोला कि मेरी शादी होने वाली है जैसे तो हमारे में ना पहले गेट टुगेदर करते हैं जिसमें सब रिलेटिव्स ये वो आते हैं तो मेरी भाभी अमृतसर में है तो आपको मेन मेरी भाभी बन के करना है तो इतनी एक्साइटेड है मैं ये कपड़े पहनूँ ये बाल बनाऊँ तो मैंने बोला भाभी आप सबसे मतलब कड़क लगनी चाहिए पता चले भारती सिंह की हाँ कोई अंदाज़ा नहीं है उनको उनको बेचारे कोई अंदाज़ा नहीं लेकिन जब वो आएंगी और मैंने वो जैसे बोला कि जैसे बाहर आप लोगों का बनाया हुआ सबका तो उनको पता है कि भारती का कुछ फंक्शन होगा तो मीडिया तो आएगी तो जब मैं उनको खड़े करूँगी और आप सवाल पूछेंगे कि आज आपका बेबी शावर और बर्थडे है तो वो जो खुशी उनके चेहरे पे होगी ना वो देखने के लिए मैं बस उस टाइम का वेट कर रही हूँ बस आधे घंटे की बात है फिर अरे ये क्या सवाल पूछ लिया आप लोगों जितने भी मेरे पास महंगे महंगे पर्स है 1 लाख 2 लाख 3 लाख वो सब हर्ष ने लेके दिए और मैं वो उसको सरप्राइज होती नहीं देख के मुझे लगता है मतलब ऐसी कौन सी से मतलब शाहरुख खान की पार्टी आए जो मैं ये पर्स लेके जाऊँ क्योंकि वो पर्स अभी के अभी वैसे ही पैक है टैग लगे हुए ये मुझे डांटता क्यों नहीं लेके जाती तो मुझे होता है कि मैं किसी लोखंड वाला थोड़ी लेके घूमूंगी 2.5 लाख का पर्स तो हर्ष को यही होता है कि भारती महंगी महंगी चीज़ें पहने और ये अगर एक होने वाला पति फील करता है तो बहुत अच्छी बात है भगवान करे ऐसी फीलिंग शादी के बाद भी रहे होगी होगी भारती जी है ना बाद में पता चले बोरीवाल स्टेशन से लेकर आ रहा है पर्स और गुची का गुचा लिखा ओवर किसका जवाब दें भाई हाँ भाई गुस्सा ना करो ये आइडिया मेरा ही था मैंने मुबीन जी को कहा करते हैं तो मुबीन जी ने कहा करें मैंने बोला यहाँ करते हैं क्योंकि मेरी नीज की एक बार पार्टी हुई थी और जितना भी हमारे ऑफिस वॉफिस है सब इसके बहुत क्लोज है तो आने में भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा तो बोलते ठीक है हो जाएगा ना भारती जी कल तक उनको ऐसा था कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा मैंने बोला हाँ हो जाएगा मैं खुद डरी जा रही थी क्योंकि मेरा बैक टू बैक शूट भी चल रहा था हम दोनों शूट पे भी थे तो हम आंखों से बात करते थे वो बोलते थे वो गिफ्ट ये वो मैं कहती हो गया गुब्बारे इशारे करते थे कि हो गया तो मैं अनु मलिक जी कह रहे क्या तुमको इशारे करी जा रहा बार बार मैंने बोलती नहीं ऐसे ऐसे पार्टी है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मुबीन जी भी बड़े एक्साइटेड है और बस उनकी वाइफ का रिएक्शन देख आ जाए जल्दी तुम्हारी नहीं उनकी वाइफ आनी है दंगल तो बहुत हो रहा है इन लोग का लेकिन आज सच में बहुत मजा आने वाला है आज कोई लंगोट में नहीं आया भाई आज सारे कपड़ों में दंगल नहीं होगा यहाँ पे लेकिन आज बहुत मजा आएगा देखना आज सब हमारे पुराने कॉमेडी सर्कस कॉमेडी क्लासेस कॉमेडी एंड बचाओ के सारे जो टीम एक साथ आई है ना तो बहुत धमाल होने वाला है देखना आई एम वेटिंग फॉर कृष्णा एक्चुअली यही चीज हो रही है कि तैयारियाँ ही नहीं चल रही ना बस यही मेरे बस मैं दंगल ख़त्म होने का वेट कर रही हूँ वो 8-9 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा फिर उसके बाद मैं लगूँगी तैयारियों पे और जैसे कि मैंने सबको पहले कहा था कि 3 डेट्स है शादी की 30 तारीख 30 नवंबर 3 दिसंबर और 6 दिसंबर सिंगानिया साहब कोई भी डेट दे दे क्योंकि इस वक्त
हाँ हाँ करते हैं, मैं बोलती हूँ कि ये 3 डेट है, इसी 3 डेट में आपको शादी करनी है, अगर 6 भी निकल गई ना तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। उसने बोला अरे बड़ा टाइम है, करते हैं। हाँ अभी 3-4 महीने है ना, इतनी कौन सी यार, ऐसे ऐसे मामलों में जल्दबाजी बड़ी अच्छी होती है। भारती तुम गुजराती हो ना, फटाफट करते, तो पंजाबियों को इतना ताम झाम होता है, हमको वो सब करना है। पंजाबियों को कोई तैयारी नहीं करनी, ग्लास लानी है, बर्फ लानी है, शराब लानी है और इन्होंने मुंह लेकर आना बस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी शादी को लेके, और हर्ष थोड़ा नर्वस है, हर्ष हमेशा बोलता है अरे कोर्ट मैरिज करते हैं बाद में एक अच्छी सी पार्टी करें। मैं कहती नहीं, मुझे मेहंदी हल्दी सब करना है, क्योंकि हमने लोगों की पार्टीज में जाके बड़ा डांस किया यार, अब हम भी तो चाहते हैं कि हमारी शादी में भी अनीता हसनंदानी नाचे, कृष्णा नाचे, कश्मीरा नाचे, पूजा बनर्जी नाचे। अब पूजा बनर्जी तो मुझे याद है, तुमको बहुत याद है। नहीं मैं बोलूँ वो सब एक साथ नाम लिया, सनी लियोनी भी नाचे, शर्माए गए जी। हाँ जी, नहीं नहीं पूछो, अभी खड़े हैं फ्री। नहीं 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 नहीं, हो गया हो गया।